हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सर, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज फिर से लेके आए हैं ऐसे प्लांट को बहुत जो कि बहुत ही शानदार प्लांट है। यहाँ पे देख पाओगे ये प्लांट जो है काफ़ी शानदार देखने में लग रहा है और इसमें जो है ढेर सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे भरे पड़े हैं इसके ब्रांचेस। आप यहाँ पे देख पाओगे कितना सुंदर ये देखने में लग रहा है। इसका पत्तियाँ जो आप देख पाओगे नीचे से, आपको देखो थोड़ा सा यहाँ पे बैगनी टोन में मिलेगा, बैगनी कलर का मिलेगा। और ऊपर से देखो लाइनिंग लाइनिंग यहाँ पे देखो अलग तरह ही। इसका पत्ती जो है थोड़ा थिक है, मोटा है, और लेकिन ये पत्ती देखने में लगता है कि बहुत पतला होगा, लेकिन पतला नहीं है, बहुत मोटा है और बहुत सॉलिड है। यहाँ पे देख पाओगे ये पत्ती जो है बहुत सॉलिड जैसा देखने में लग रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये प्लांट जो है इतने ग्रोथ कैसे कर गए, यहाँ पे ढेर सारे ब्रांचेस भरे पड़े हैं कैसे और क्या हुआ है इसमें। एक्चुअली इसमें क्या था, हमने इसमें सीरम यूज़ किया है और सीरम यूज़ करने के बाद क्या है, इसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ है और इतना तेज़ी से हुआ कि इसमें ब्रांचेस जो हैं भरे पड़े हैं। आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि इसमें कैसे हम सीरम यूज़ करते हैं, कैसे इसमें सीरम यूज़ किया है, कौन सा सीरम यूज़ किया है इसमें दिया है और ये कैसे ग्रोथ किया है। तो यहाँ पे देख पाओगे पहले एडवांटेज जो पत्तियाँ जो सूख चुके हैं उसे मैं हटा दूँ, तो यहाँ से इस पत्तियों को जो हम हटा देते हैं। यहाँ देख पाओगे सूखे पत्ते को मैं फटाफट इसे हटा दूँ, उसके बाद जो इसमें बताऊँगा मैं कैसे इसमें सीरम यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पे देख पाओगे सूखे सूखे जो पत्ते हैं उसे फटाफट हम हटा देते हैं और इसका जो है केयरिंग कैसे किया जाए, क्या किया जाए इसमें, कैसे ये इतना ग्रोथ करता है वो भी बताऊँगा मैं थोड़ी देर में अभी आपको। तो यहाँ पे देख पाओगे ये पत्तियों जो है जो पत्ते अनवांटेड हैं जो सूख चुके हैं उसे हटा दूँ ताकि देखने में जो अच्छा लगे। देखो यहाँ पे यहाँ सूखे सूखे पत्ते को मैं पहले हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखो ये पत्ते भी सूखे हैं, देखो ये पत्ते भी सूखे हैं, देखो ये पत्ते भी सूखे हैं, देखो ये सूखे हैं। सूखे पत्ते को आप थोड़ा सा पुश करोगे वो अपने आप निकल जाएगा। देखो यहाँ पे निकल रहा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता इस प्लांट में, देख पाओगे आप। और नीचे से आपको मैं दिखाऊँ तो देखो कितने सारे ब्रांचेस भरे पड़े हैं। देखो देख पाओगे, देखो कितने सारे ब्रांचेस हैं इसमें, देखो भरे पड़े हैं इसमें ब्रांचेस। ये ब्रांचेस जो हुए हैं इतने तेज़ी से जो ग्रोथ हुआ है उसी सीरम की वजह से। तो आप भी सीरम यूज़ कर सकते हो। कैसे मैंने यूज़ किया सीरम वो आप आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले देखो ये साफ़ कर दूँ थोड़ा सा क्लीन, क्योंकि इसका मेंटेनेंस ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इतने तेज़ी से ग्रोथ हो रहे थे तो उसका मेंटेनेंस भी तो चाहिए होता है, तो जो कि मैंने इसमें नहीं किया था जो अब मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये क्लीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो, सब कुछ ओके। अब इसे हम सीरम यूज़ करेंगे। तो सीरम यूज़ करने के लिए मैंने सीरम ले रखा है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये सीरम का यूज़ किया हमने, इसी का आप यूज़ कर सकते हो। कैसे है इसके बनाते हैं, तो सिंपली इसका बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आप इसमें घर में बनाना चाहते हो तो आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हो, गुड़, चीनी नहीं, गुड़ का यूज़ करना है, और आपका जो सरसों जानते हो सरसों का जो सूखा हुआ पार्ट होता है जो पीस के निकालते हैं जो उसको खल्ली बोलते हैं, उसका मिक्स करके मतलब गुड़ और उसको पानी में मिक्स करके आप दो दिन छोड़ दो, उसके बाद जो है उसका यूटिलाइज़ करना है। तो यहाँ पे देख पाओगे उसका कलर जब मिक्स करके छोड़ोगे ना तो इस तरह कलर में आपको दिखेगा, लेकिन इसका डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है आपको, यही तो बात है, इसका डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। इसमें क्या करना है आपको, पानी मिलाना है, और पानी जो है हमें तब तक मिलाना है जब तक कि इसका कलर जो है, देखो अभी रेड है ना, यहाँ पे देख पाओ रेड है ना, लाइट येलो ना हो जाए, तो यहाँ पे इसको पानी मिलाना है। तो यहाँ पे देख पाओगे हम इसे पानी मिला रहे हैं, थोड़ा सा फूल कर दिए, ठीक है। अब इसका कलर देखो, यहाँ पे देख पाओगे लाइट यहाँ पे ऑरेंज यहाँ पे कलर इसका हो गया है। अभी भी इसमें नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इसमें और पानी मिल सकता है, लेकिन मैं इसको नहीं मिलाऊंगा क्योंकि पानी जो है इस गमले के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना पानी इसमें नहीं चाहिए होता है। तो इसको हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे, इसको हम लोग देंगे, देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको साइड करना पड़ेगा। हालाँकि पत्तों में देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसका पत्ता जो है बहुत सॉलिड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसका मिट्टी में देने का। तो यहाँ पर देखो मिट्टी साइड करते हैं और यहाँ पर मिट्टी में इसको देंगे, तो इस तरह से आप इसको मिट्टी में दे सकते हो। तो इसको हम पूरा हम नहीं देंगे क्योंकि गमला छोटा है, तो थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं इसे। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, आप 15 दिन 20 दिन पे एक बार दोगे ना तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। आप मैंने बता दिया क्या क्या आपको यूज़ करना है, सरसों का जो सूखा हुआ पार्ट होता है जो इसको खल्ली बोलते हैं जिसको पीस के निकालते हैं जब बचता ना रेस्ट शॉप, उसका और गुड़ का यूज़ करना है। आप बोलोगे गुड़ से चीटी लग सकता है, तो नहीं, चीनी चीटी नहीं लगेगा क्योंकि मिट्टी में जाने के बाद जो होता है ना उसका जो मीठापन है वो ख़त्म हो जाता है, वो पूरा अब्जॉर्ब करता है मिट्टी, तो इसलिए आपका ये टेंशन नहीं लगना चाहिए कि चीटी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे ये जो है प्लांट इस तेज़ी से इस रफ्तार से फिर ग्रोथ करेगा। तो आज की वीडियो में आपने समझा कि प्लांट में किस तरह सीरम यूज़ कर सकते हैं और ये प्लांट को कैसे हम ग्रोथ में ला सकते हैं, ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ कैसे वो ग्रोथ करेगा, आज की वीडियो में आपने सीख लिया। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम चैनल पर लाते रहते हैं, प्लांट से रिलेटेड वीडियो बहुत अलग अलग किस्म के आपको प्लांट मैं दिखाता हूँ और उसका वीडियो भी लाता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए प्लांट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।